आगे कुराने करीब में क्या फरमाया, वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। दुनिया की शोर जिंदगी में तुम्हारे जहन में ये ख्याल है कि हम किसी की बुराई करने लगे, हम किसी की गिबत करने लगे, हम किसी पर तोहमत लगाने लगे तो वो सलील हो जाएगा, और हम किसी की झूठी तारीफ के फोन बांधने लगे तो वो इज्जत वाला बन जाएगा। फरमाया हरगिज़ ये मामला नहीं है। वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसके बारे में इज्जत का फैसला कर दिया जाए सारी दुनिया में अगर उसे जलील करना चाहे नहीं कर सकती है, और जिसके बारे में जिल्लत का फैसला कर दिया जाए सारी दुनिया में अगर उसे इज्जत देना चाहे इज्जत नहीं दे सकती है। इसलिए कि इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में है। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने तो बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, फरमाते हैं मतलबी ने बहुत जबरदस्त बात लिखी है, फरमाते हैं कि इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन? अल्लाह। लेकिन जब अल्लाह किसी को जलील करने का फैसला करते हैं, किसी को रुसवा करने का फैसला करते हैं, किसी को गिराने का फैसला करते हैं, किसी को नाकाम करने का फैसला करते हैं, तो उस बंदे को लोगों के ऐब तलाश करने पर लगा देते हैं, वो लोगों की गलतियां तलाश कर